माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आएगी, क्योंकि मैं मायके में हूँ और अभी रात का, मतलब रात क्या, 8 बज रहे हैं टाइम है। बेबी अभी मेरा सो रहा है, जैसे आप सभी को पता होगा जो रेगुलर व्यूअर है मेरा, एक मतलब अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है और मेरा न्यूबॉर्न बेबी है, उसके बावजूद मैं बेबी को सुला के वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि क्या करें भाई, अपना काम है वो तो करना ही है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं शूट करने बैठ ही जाती हूँ। तो अभी फाइनली मैंने सोचा चलो, मैंने कुछ वीडियो शूट करके रखी थी, उसका इंट्रो नहीं शूट था, मैंने कहा चलो इंट्रो शूट कर लेते हैं, क्योंकि इंट्रो नहीं शूट होता है ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। सो आज की इस वीडियो में आपके साथ में एक DIY फेस वॉश शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो कुछ टाइम से, डिलीवरी के बाद से ही मैं इस वाले फेस वॉश को यूज कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और आपके पास जो भी अवेलेबल चीजें हैं आप उनसे बना सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि जो बाजार के फेस वॉश आते हैं उनके उसमें केमिकल्स होते ही होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादातर DIY फेस वॉश ही यूज करती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। डिलीवरी के टाइम मुझे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन वगैरह हो गई थी, छोटे छोटे स्पॉट्स हो गए थे, जैसे तिल होते हैं वैसे टाइप के, जैसे आप देख सकते हो अभी भी दिख रहा है, तो इस तरह से हो गए थे। तो मैंने DIY फेस वॉश बनाया, उसको यूज किया मैंने, लगभग मैंने अभी मुझे 1 वीक भी हुए हैं यूज करते हुए, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं आप लोग के साथ में शेयर करूं, आप लोग के लिए भी हेल्पफुल हो। तो अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है या झाइयां झुर्रियां, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है आपके लिए, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा आप, और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत ज्यादा हो गई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इसको आप लोग 1 वीक ट्राई करके मेरे कहने से जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कोई भी स्किन टाइप है आपकी यूज कर सकते हो, चाहे वो आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन टाइप हो आप यूज कर सकते हो बेझिझक। और जो हमारी नेचुरल चीजें होती हैं, जो हमारी होम रेमेडीज होती हैं, बिल्कुल भी हमारे मतलब स्किन पे कोई भी हार्म नहीं करती हैं, कोई भी इसका रिएक्शन नहीं होता है, और हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। ये जो फेस वॉश है, आपकी स्किन पे अगर सन टैन है, डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, झाइयां है, झुर्रियां है, आपके स्किन पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम है स्किन की आपकी जड़ से खत्म करेगा। बस शर्त ये है कि आप आज आप लगा रहे हो, ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आज अभी आप लगा रहे हो और अब आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो नहीं भाई, प्रॉब्लम धीरे धीरे आती है, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म भी होती है, क्योंकि नेचुरल चीजें जो होती है ना, जो हमारी होम रेमेडीज होती है, वो धीरे धीरे वर्क करती हैं। बस ये है कि आपको इसको एक डेडिकेशन के साथ फॉलो करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा से मिलेगा। तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, मुझे 100% रिजल्ट मिल रहा है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ में शेयर किया जाए। तो अभी मुझे डार्क सर्कल थोड़े से हो गए हैं, क्योंकि रात भर बेबी जागता है तो सोने बिल्कुल नहीं रहता है, रात भर जगाता है, इसलिए तो आप लोग समझ सकते हैं, जो मेरी तरह न्यू मॉम होंगी उनको तो पता ही होगा। और आजकल मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बेबी है, मुझे खुद रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि कहते हैं ना जच्चा बच्चा को, दोनों को रेस्ट की जरूरत होती है आफ्टर डिलीवरी। तो अभी तो मैं फिलहाल ब्रेक में ली थी, थोड़े टाइम तक वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि जो मैंने प्री वीडियो शूट करके रखी थी, अपलोड कर दिया था, मैंने शेड्यूल पे कर दिया था, वही सारी वीडियो आप लोग के पास पहुंच रही थी। तो अभी फाइनली मैंने 2-3 वीडियो शूट करी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ में शेयर करते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, पसंद आए क्या करना, आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना है, तो और मुझे सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है गाइज। और इससे पहले भी मैंने प्रेगनेंसी में होने वाले दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियों को कैसे ठीक करें, इसकी वीडियो डाली है, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे लेना है आपको मुल्तानी मिट्टी रोज पेटल पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर, नीम पाउडर, और ये सारे ऑर्गेन्स ब्रांड के हैं, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, 100% नेचुरल ब्रांड है और यहाँ के प्रोडक्ट नेचुरल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी 4 बड़ा चम्मच बेसन, एक बाउल के अंदर मैंने डाल लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी मुल्तानी मिट्टी
जितना आपने बेसन लिया है उतना उतना ही डालना है आपको। चार चार चम्मच मैं डालूंगी यहाँ पे, तो चार बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने डाल लिया है। अभी नीम का पाउडर मैं डाल रही हूँ, सॉरी मुल्तानी मिट्टी बाद में डालूंगी। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रोज़ पेटल पाउडर चार बड़ा चम्मच, तो यहाँ पे इसको भी मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी मुल्तानी मिट्टी चार बड़ा चम्मच। तो सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे नीम पाउडर ऐड कर लेंगे चार बड़ा चम्मच। तो इस तरह से आपको डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। लास्ट में इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, आप चाहें तो वाइल्ड टर्मरिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं किचन में जो यूज़ होती है वही वाली हल्दी यूज़ कर रही हूँ, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको एक एयर टाइट डब्बे में आपको डाल के रख लेना है, जो कि साफ़ सुथरा हो। तो यहाँ पे मैं डब्बे में डाल के इसको रख लूँगी। तो आप जैसे रोज़ाना फेस वॉश करते हो ना, बस उसी तरह से आपको करना है। और ये आपका इतना एक महीना तो बहुत ही आराम से चल जाएगा अगर आप 2 से 3 बार फेस वॉश करते हैं। तो सिंपली इसको बंद करके रख दीजिए और जैसे आप फेस वॉश करते हैं डेली उसी तरह से आपको थोड़ा सा आधा चम्मच लेना है और उसमें पानी डालना है आपको, और इस तरह से 1 मिनट के लिए अपने फेस पे मसाज करना है। आप चाहें अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, तो एज अ फेस पैक भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और इसे चाहें तो आप डेली फेस पैक बना के भी लगा सकते हैं। 1-2 चम्मच लीजिए, उसमें दही या फिर रोज़ वाटर मिक्स करके या फिर टमाटो जूस जो भी आपको सूट करता है डाल के लगा लीजिए। 15 मिनट बाद चेहरे को धुल दीजिए, तो बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपके जो स्किन के दाग धब्बे झाइयाँ झुड़ियाँ सारी चीज़ें दूर करेगा। ये हमारी नेचुरल होम रेमेडी है और ये नेचुरली हमारे फेस पे ग्लो लाती है, सारी जो फेस की प्रॉब्लम है वो दूर करती है। तो इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 मिनट मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर दिया है और आप देख सकते हैं ग्लो कितना बढ़िया आया है। सो गाइज, इसको आप डेली यूज़ करिए, कंसिस्टेंसी जो है वो बना के रखिए। तो फेस वॉश के बाद देखिए चेहरा कितना ज़्यादा ग्लोई लग रहा है और आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो ना, बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पिगमेंटेशन झाइयाँ झुड़ियों की प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी डेली इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम यही यूज़ कर रही थी क्योंकि माउथ के अराउंड मुझे भी काफ़ी सारी पिगमेंटेशन हो गई थी जो कि अभी रिड्यूस हो रही है। सो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे पहले भी मैंने कई सारी रेमेडीज़ आपके साथ में शेयर करी है, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एंड अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा।